हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SBG चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे MP बोर्ड 10th क्लास के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और जब आप अपना रिजल्ट चेक करते हो तो आपको किसी एक सब्जेक्ट के आगे GRTH लिखा रहता है। GRTH का मतलब क्या होता है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। जब अपना रिजल्ट चेक करते हैं 10वीं क्लास का, किसी एक सब्जेक्ट के आगे GRTH लिखा रहता है। तो GRTH क्या है वो पूरा आपको समझाऊंगा मैं आपको इस वीडियो से। तो जो भी चैनल पहले विजिट करें, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब आप इस तरह से अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिखाई देता है, एक सब्जेक्ट के आगे एक सब्जेक्ट है आपका, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साइंस। दोस्तों, साइंस एक सब्जेक्ट है। इस साइंस के सब्जेक्ट में आपको लिखा है GRTH। दोस्तों, हैज को ध्यान नहीं रखना है, ओनली GRTH को आपको ध्यान रखना है। GRTH क्या होता है, GRTH का फुल फॉर्म समझना होगा सबसे पहले, तो क्या होता है तभी हमको आगे की भाषा समझ में आएगी। GRTH का मतलब होता है दोस्तों GRACE, ग्रेस इन थ्योरी। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, ग्रेस इन थ्योरी। नाम से समझ में आ रहा होगा क्या है, ग्रेस इन थ्योरी। अब ग्रेस इन थ्योरी का मतलब क्या होता है, अब ग्रेस का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, ग्रेस दोस्तों किसको दी जाती है, ग्रेस उस सब्जेक्ट को दी जाती है या कोई भी बंदा फेल हो रहा है और फेल होने से बचाने के लिए उसे कितने नंबर से ग्रेस दी जाती है, 5 नंबर। यानी कि उसको 5 नंबर फ्री में दे दिए जाते हैं। ग्रेस का मतलब होता है 5 नंबर फ्री में देना। क्या मतलब होता है ग्रेस का, 5 नंबर फ्री में देना, तो उसको हम ग्रेस कहते हैं। ठीक है, अब ग्रेस दोस्तों कैसे मिलती है, किस तरीके से मिलती है वो हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था 2 तरीके से होते हैं, थ्योरी मार्क होता है, एक प्रैक्टिकल मार्क होता है। कौन से होते हैं, थ्योरिकल होते हैं, एक प्रैक्टिकल होते हैं। ओके, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल। तो दोस्तों GRTH का पूर्ण नाम था ग्रेस इन थ्योरी। तो थ्योरी लिखा है तो यहाँ पर थ्योरी लिखा है। ग्रेस इन थ्योरी का मतलब है कि आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट में 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। यानी कि जो 22 नंबर है ना दोस्तों, वो 22 नंबर आपको कितने कर दिए जाएंगे, एक तरह से 22 नंबर को क्या मान लिया जाएगा, 22 नंबर को 27 नंबर मान लिया जाएगा। 22 को 27 मान लिया जाएगा और 16 आपके मार्क्स हो जाएंगे और यहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन टोटल में दोस्तों कितना होता है, टोटल में ये 5 नंबर जोड़े जाएंगे वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। टोटल में दोस्तों आपके जो 5 नंबर जोड़े जाएंगे, अगर जोड़ देते तो 43 हो जाता, तो नहीं जोड़े जाएंगे, ओनली आपको यहाँ पर 22 और 16 का योगी यानी कि 38 दिखाई देगा। 43 ना देखकर 38 दिखाई देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर GRTH लगा दे। अगर यहाँ पर 43 लिख देते तो यहाँ पर GRTH लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यहाँ पर जो GRTH है वो यहाँ पर लिखा गया है। दोस्तों, 27 नंबर ही क्यों माना गया है, 27 नंबर क्यों माना गया है, तो जैसा कि आपको पता होगा 2 एग्ज़ाम हो गए हमारे, एक थ्योरी हो गया या प्रैक्टिकल हो गया। थ्योरी हमारी होती है दोस्तों 100 नंबर की, सॉरी थ्योरी हमारी होती है 80 नंबर की। दोस्तों कितनी होती है, 80 नंबर की। और प्रैक्टिकल मार्क, प्रैक्टिकल होता है हमारा 20 नंबर का, इस हिसाब से हमारा हो जाता है 100 नंबर। ओके, अब हमको क्या होता है, पासिंग मार्क्स 33% लानी होती है। 100 में से अगर हमारे 33 नंबर आ जाते हैं तो हमको पास मान लिया जाता है। इसी प्रकार अगर प्रैक्टिकल में अगर हमारे 7 नंबर आ जाते हैं, मिनिमम 7 नंबर लाने चाहिए, तो हमको पास मान लिया जाता है। इसी प्रकार हमको थ्योरी में मिनिमम कितने नंबर लाने चाहिए, 27 लाने चाहिए, तो हमको पास मान लिया जाता है। अगर इनसे कम हो जाते हैं नंबर तो आपको क्या मान लिया जाता है, फेल मान लिया जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22 नंबर आए हैं लेकिन मिनिमम हमको चाहिए 27 नंबर। कितने नंबर चाहिए, 27। देखिए यहाँ पर कितने नंबर है, 22 नंबर आए हैं इनके, लेकिन हमको थ्योरी में 33% 80 का होता है, तो उसका 33% हमको कितना नंबर लाना है, 27 नंबर लाना है, लेकिन यहाँ पर आए हैं इनके 22 नंबर, तो इसलिए इनको यहाँ पर ग्रेस दे दिया जाएगा। ओके, अब दोस्तों ग्रेस कैसे दिया जाता है वो मैं आपको बता भी चुका हूँ। 5 नंबर लाना है, 5 नंबर दिया जाता है ग्रेस में, तो 22 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, तो वो बन जाएगा 27। इस हिसाब से इनके मिनिमम मार्क्स हो जाएंगे 27 और यहाँ पर इनको पास कर दिया जाएगा, बस GRTH लिखकर आएगा। ऐसे ही एक मार्कशीट में और हम देख लेते हैं दोस्तों, एक और मार्कशीट है मेरे पास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक मार्कशीट और है। इस मार्कशीट में क्या लिखा गया है, जीआरटीएच लिखा है। दोस्तों हैज को ध्यान नहीं रखना है, हैज बेस्ट ऑफ फाइव योजना का है। जैसा हैज के बारे में बता चुका हूँ, हैज क्या चीज़ होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बार क्या हो रहा है दोस्तों, हैज जिस सब्जेक्ट में है उसी सब्जेक्ट में जीआरटीएच मिल रहा है, यानी कि ग्रेस उसी सब्जेक्ट में मिला है जिस सब्जेक्ट में हमको बेस्ट ऑफ फाइव योजना का लाभ मिला है। एज के बारे में पूरा वीडियो बना चुका हूँ, इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लें। ओके, अब जीआरटीएच देखिए, यहाँ पर हमको थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। हमको कितने नंबर चाहिए, 27 नंबर मिनिमम इसमें चाहिए और इसमें हमको चाहिए 7 नंबर। तो देखिए दोस्तों, लास्ट वाले सोशल साइंस में इनको क्या मिला है, सोशल साइंस में इनको मिला है ग्रेस, और इसमें क्या चाहिए प्रैक्टिकल में 7 नंबर चाहिए मिनिमम, तो इनको 18 नंबर मिल गए, तो 7 से जाना है, तो प्रैक्टिकल में इनको पास कर दिया जाएगा। अब बात आती है थ्योरी की, हम बात करते हैं तो 22 नंबर हैं, लेकिन हमको मिनिमम कितने चाहिए, 7, तो इसमें इनको प्लस 5 कर दिया जाता है, यानी 5 नंबर इनको एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 27 नंबर, और ये हो जाएंगे 5। तो यहाँ पर जो 27 है वो यहाँ पर शो नहीं करेगा, शो क्यों नहीं करेगा, जो 5 नंबर दिए जाएंगे वो 5 नंबर जीआरटीएच के रूप में हमको दिखाई देंगे, यानी कि जो 5 नंबर है वो जीआरटीएच यानी ग्रेस के रूप में हमको दिखाई देंगे। तो ये है जीआरटीएच का पूरा फॉर्मूला, वो आप लोग अब समझ गए होंगे जीआरटीएच क्या होता है। दोस्तों एपएलडीएच क्या होता है उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, हैज क्या चीज़ होता है इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, डॉलर क्या चीज़ है इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, पास क्या चीज़ है, तीनों में पास लिख कर आ रहा है, इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन वीडियो को देख जरूर देख लेना, अच्छे से समझाया है मैंने उन वीडियो को, उन वीडियो में तो जरूर जो कि देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।